कि मैं हमेशा बताती हूँ मैं मोहसिन को ऑडिशन देने गई थी लेकिन ऑडिशन तो दिया नहीं, मैं दिल देकर आ गई। क्या बात है, तो ये आप थी जो दिल देकर आ गई, क्योंकि वो भाई साहब ने पहले वो किया था। नहीं वो होता ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो फर्स्ट साइट नहीं, नहीं वो दोनों तरफ से फर्स्ट साइट था लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उसकी तरफ से फर्स्ट है या मेरी तरफ से फर्स्ट है। वैसे नहीं मोहसिन भाई आप बस एहतराम, आप बड़े प्यारे हैं लेकिन चले सारा को देख के तो समझ में आता है, कोई भी सारा को पहली बार देखेगा उसको तो सारा से मोहब्बत होगी। लेकिन सारा सी क्या बात आपको मोहसिन भाई की इतनी अच्छी लगेगी कि आप दिल दे बैठी? मोहसिन में एक्चुअली क्या बात नहीं है वो मैं मर गई, हाय अल्लाह ये मोहसिन की सबसे खूबसूरत, नहीं मोहसिन की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो एक बहुत शायरी वाले इंसान है, उनकी जुबान ही सबसे प्यारी है जिसकी वजह से मेरे घर में ही नहीं हर कोई मर मिटता है, मतलब बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा बड़े बुजुर्ग हर कोई उनकी जुबान पे ही मर मिटता है, क्योंकि मोहसिन को अंदाजा है कि किस वो हर किसी की एज के हिसाब से उसके लेवल पे आके बात करते। तो मुझे ये बताएं कि फिर क्या आपने जो ब्रेक ली वो आपके हस्बैंड ने मोहसिन भाई, एक और मजे की बात है, आई वाज 17 इयर्स ओल्ड व्हेन आई मेट हिम एंड ही वाज 27, नाउ आई एम 35 एंड ही 45। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे अच्छी बात है इतना एज गैप भी ना, है ना? अच्छा, हाँ, 10 साल का गैप, लेकिन वो लगते नहीं है उनको, तो मैंने कहा मैंने कहा नहीं नहीं वही ऐसी आप थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी रखें तो आप थोड़े से बड़े लगेंगे, क्लीन शेव होकर तो बिल्कुल पप्पू पप्पू से लगते ये देखो ये आप जो करें कि हमारी पाकिस्तानी खातिन जो है कितनी इनको मोहब्बत होती है मियाँ से ना, मतलब हर एक को अपना मियाँ सलमान खान और शाहरुख खान लगते हैं और पप्पू कह रहे थे मियाँ। नहीं मजे की बात है, पप्पू भाई ने वैसे कहा था कि ब्रेक लें कि आपने ड्रामा से ब्रेक लिया, आपने खुद ब्रेक ली कि नहीं मेरी शादी होगी तो मैं जरा टाइम देना चाहती हूँ। हाँ ये मैं जरूर क्लियर करूंगी कि मोहसिन ने मुझे कभी भी काम के लिए ना मना किया ना गैप लेने का कहा। एक्चुअली गैप मैंने इसलिए लिया था, 11 साल मैंने बिना किसी गैप के पूरा काम किया अपना, 17 साल की एज से जो मैंने काम करना शुरू किया तो मैं 29 साल की एज तक 30 साल की एज तक काम करती रही। तो गैप लेने की वजह ये थी कि ये महावरतन नहीं ये सच बात है कि मेरी जो अम्मा है उन्होंने वाकई बचपन से मुझसे ना एक गिलास पानी का भी नहीं उठवाया, तो मैंने अपने घर में कभी कोई काम ही नहीं किया क्योंकि हम दो ही बहन भाई हैं, भाई भी एक बेटी भी एक, तो मामा ने बड़ा लाड प्यार से रखा, तो उस चक्कर में अब मुझे घर गृहस्थी बिल्कुल नहीं आती। अच्छा मुझे ये भी अंदाजा है कि मोहसिन को बड़ी घरेलू और मोहसिन को घर के खाने पसंद है, तो मुझे तो कख कुछ नहीं आता था, मुझे दाल कभी बनानी नहीं आती थी, मुझे तो कभी एक शो में एक हमारा शो था देसी कुड़ियाँ, उसमें गाँव की लड़की मुझे दिखाया था देसी कुड़ी का, जबकि अवार्ड भी मैंने विन किया था, और उसमें जो खाना बनाने का और कस्टर्ड बनाने का जब एक टास्क आया तो मैंने तो जला दिया था पूरी उसमें कि मुझे तो आता ही नहीं था बनाना कि कितना पानी डालना है क्या डालना है दूध भी डालना है कि नहीं डालना, मुझे तो वो जलने भुनने की बदबू आ गई। मैंने तो फिर बेसिकली घर गृहस्थी सीखने के लिए मैंने गैप लिया था, घर गृहस्थी सीखने फिर माशाल्लाह फिर उसमें बच्चे भी हो गया उसमें, फिर माशाल्लाह 2 साल का मैंने गैप लिया और फिर मैंने तीसरे साल सोचा कि चलो अब तो घर गृहस्थी सीख लिया अब काम करते, तो फिर आई गॉट प्रेगनेंट, फिर मैंने कहा नहीं अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम तो होता रहेगा जिंदगी में लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरी बार जब मैंने सोचा तो अगेन आई गॉट प्रेगनेंट, तो मैंने चौथी बार सोचा ही नहीं डायरेक्ट काम कर लिया। मैं यही पूछ रही थी कि बहन बात सुनो अभी भी कोई खुशखबरी नहीं, तो मैंने इसलिए मैंने तीसरी बार सोचा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट काम कर लिया, मैंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं आ गई। नाम क्या रखे माशाल्लाह बहुत प्यारे आपके बेटे, बड़े बेटे का सबसे बड़े बेटे का नाम मोहसिन तलत और बड़े बेटे का नाम मेरे जो है वो है मोहम्मद जुबैर बिन मोहसिन और छोटे वाले का नाम है मोहम्मद जोहान बिन मोहसिन। हाय अच्छा ये वो इतने प्यारे प्यारे हम देख रहे हैं उनकी पिक्चर्स वो देख रहे हैं, ये तो जरा छोटे थे अब रिसेंटली अच्छा वैसे मदर दोबारा से माशाल्लाह से यू मदर इज ब्यूटीफुल एंड कितना प्यारा बालों का कलर है इनका, मैं साथ में ये भी देख रही थी कि मेरे टॉपिक से आज टॉपिक भी ये हो जाए कि मेरी अम्मा के बालों का कलर भी आ गया, ये वैसे बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये एक हमारे फैमिली इवेंट था उसमें नो दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छी लग रही है, डिफरेंट लग रही है, हाँ वेरी डिफरेंट। एंड कैन यू बिलीव कि मैंने अपनी शादी का मेकअप खुद किया था, रियली मुझे लगता है अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो सकती, तो इंशाल्लाह अगर मुझे कभी मौका मिला या का मिला या कभी अल्लाह ने चाहा तो मैं बिल्कुल सलोन करूंगी। ये मैंने अभी अल्लाह लेलानिया बोल दिया कि मेरा अगला जो स्टेप होगा वो सलोन का ही होगा इंशाल्लाह। तो ऑल्दो मैंने कोई सर्टिफिकेट्स आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट और कुछ इस तरह की चीज अभी तक नहीं है, सोच रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइज कर लूँ। सुहेबा आपसे मैं बल्कि इस वाले से क्योंकि देखिए आप एक ओन भी करती हैं और आपका बड़ा जबरदस्त हम देखते थे आपसे एक नेचर ब्रश करूँगी, तो इसके लिए क्या कभी कभी जरूरी होता है कि आपको
आप सीखें या फिर कभी कभी जो कहते हैं ना कि आप बहुत से लोगों को मैं देखा कि बगैर सीखे हुए भी बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं. मैं इतने लोगों को देखती हूँ, ट्यूटोरियल्स भी देखती हूँ, बड़े बड़े दुनिया में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बताते हैं कि जी हम तो सेल्फ टॉट हैं, हमने सब सब चीज़ें जो हैं वो खुद से यूट्यूब पे देखी हैं. तो क्या ज़रूरी होता है कि सीखें उन्हीं दिन आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं? एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने भी स्टार्ट इसी तरीके से किया था, यूट्यूब देख के. शौक हमेशा से था एंड मेरा हाथ इतना अच्छा था, बट व्हेन यू हैव टू कम इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड आपको चाहिए कोई सर्टिफिकेट, बिकॉज बहुत लोग बहुत आसानी से आपको ट्रस्ट नहीं करते. अगर आप बहुत अच्छे भी होंगे ना, फिर भी जो हमारी थोड़ी सी एलीट सोसाइटी है वो पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. आजकल बहुत ये है दैट दे वुड आस्क के आप कहाँ से एजुकेटेड हैं, आपने कहाँ से अपने सर्टिफिकेशन किया है. ऑल दो पर्सनली आई डू नॉट बिलीव, अगर आपके पास एक स्किल है एंड यू आर गुड एट इट तो आपको मौका मिलना चाहिए और आपको चांस मिलना चाहिए टू शोकेस योर टैलेंट. बट अपेरेंटली हमारी थोड़ी सी आवाम की थिंकिंग भी डिफरेंट है. वो चाहिए, उनको चाहिए होता है कि सर्टिफिकेट हो तो ही बात होगी. इसलिए मेरे ख्याल से ये रीज़न होती है, मैं अक्सर जाती हूँ सैलॉन्स वगैरह में जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये इतने सर्टिफिकेट्स क्यों लगे हुए हैं. तो अच्छा, तो वो इसकी रीज़न ही होती है कि वो लोगों के लिए कि लोग कहें कि हाँ भी कहीं से सीखा जी है. असल क्योंकि असल में अक्सर सर्टिफिकेट लेने वाले लोग भी आपका काम ख़राब कर देते हैं. वो जो यहाँ पे बैठी हुई हमारी बेचारी मॉडल के बाल इतने लंबे हैं, किसी ने सर्टिफिकेट लेके बैठी है, उन्होंने भी बड़ा गर्व कर दिया. टैलेंट जो है कभी भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता. अग्रीड. और मैं एक और चीज बताऊं, जितना आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा ना उतना आपका कभी भी सर्टिफिकेट बेस नहीं होगा. आप क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा एक मंथ सीखेंगे, पर जब तक वो चीज आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे यू कैन नेवर लर्न. लाइक आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, देन मैं हेयर सर्टिफिकेशन नहीं की, पहले मैं हेयर में ऐसी घुसी, देन आई डिड माई सर्टिफिकेशन. बिकॉज जब तक आपकी हाथ में तबूर नहीं होगा काम करने का, तो सर्टिफिकेट्स का भी आप क्या कर लेंगे. बिल्कुल सही. एग्जैक्टली. योर हैंड शुड बी सो गुड दैट यू आर नोन बाय योर वर्क, नॉट बाय योर सर्टिफिकेट. हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और इतना काम आपको आना चाहिए कि स्पेशली आपको जो स्टाफ भी हो कि वो आपको बुद्धू ना बना दे. उसी तरह की चीजें जैसे बड़े से बड़े ब्रांड भी कभी कभी वो काम नहीं करते जो हमारी लोकल चीजें कर जाती है. तो वो 200 रुपए की चीज जो है कभी कभी 2,000-5,000 की चीज पे भारी पड़ जाती है. ये उसी तरह की बात है थोड़ी सी. बिल्कुल. कुछ ऐसे सैलॉन्स में जिनका इतना नाम भी नहीं होगा, लेकिन उनकी कोई ना कोई स्टाफ इतना वेल ट्रेन्ड होगा कि आप हैरान होंगे एंड दे वुडंट इवन हैव अ सर्टिफिकेट. अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने सैलॉन शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी डिस्कशन. आप मुझे सारा बताएं, लॉन्ग टाइम, एक तो इतने अरसे तक आप मॉर्निंग शो पे भी नहीं आई, फिर आपने जो 4-5 साल की इतनी लंबी ब्रेक ली, मतलब हमें तो पता है. ये जो आपकी आपके फैंस हैं जो आपसे पूछते हैं कि सारा कहाँ चलेगी, इतनी खूबसूरत आंखों वाली, इतनी खूबसूरत लड़की किधर चलेगी, कहाँ चली गई थी, लोगों को पता है, हमें तो पता है. यार मैं एक्चुअली गैप लेने का मकसद कोई ये नहीं था कि मैंने कोई फील्ड से गैप ले लिया था या कुछ इस तरह था, क्योंकि लग ऐसे रहा था, पता नहीं आपने फील्ड एकदम से छोड़ दिया, एकदम से गायब हो गए. मेरे इंस्टा पे हो, सोशल मीडिया पे भी जितने भी फैंस हैं या जो भी हैं, उन सबको ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मैं क्यों गायब हुई, क्या हुई. अब मैं एक एक को क्या पकड़ के मैं बताऊं. मैंने कहा बट इंशाल्लाह जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देख ही लेगी. कि जब मैं किसी शो में बैठूंगी तो जब मैं बताऊंगी सबका सवालों का एक ही बात जवाब दे दूंगी कि भाई जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देख लेगी, वो वाली बात होती है. अच्छा जी, जरा हम आपके लिए थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज आपको ये भी दे दें, क्योंकि ये जो गायब एकदम से हो गई थी और ये लग रहा था कि पता नहीं मुल छोड़ के चली गई है, इतनी प्यारी मतलब हमारी स्क्रीन पर आती थी हीरोइन, किधर चली गई है. तो इन साहब को मिल गया था जिंदगी में इनका हीरो और आप उन हीरो को जानते भी. बहुत सारे लोग जो स्पेसिफिकली हमारी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं. मोहसिन ज़ाला साहब जनाब, इनके हस्बैंड, और जो मैं चाहूँगी ज़रा तस्वीरें भी दिखाएं कि माशाल्लाह से खातून ने शादी, इनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए. अल्लाह मियाँ, इतने प्यारे बच्चे इनके, ये आप देख रहे हैं. ये मेरी मदर है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, ये किस दिन की तस्वीरें, पहले मुझे बताएं. ये हमारे निकाह की है. हाँ, 2000. और ये हमारी शादी की है. ओके, ये तो बड़ी आपने जरा डिफरेंट स्टाइल की है, व्हाइट कलर के गाउन में. हाँ, एक्चुअली आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे एक वैसी. नहीं, ये बचपन से मेरे, जब मैं पैदा हुई थी तब से मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि इसको जो है ना ऐसा वाइट ड्रेस मैंने पहना, वाइट ड्रेस. और फिर मेरी भी ख्वाहिश थी क्योंकि वो रेड टिपिकली हम लोग हर कोई पहन रहा होता है. वैसे भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ड्रेस जो है वो वाइट ही है, तो क्यों ना हम ये वाला पहनते. तो मेरी ये ख्वाहिश तो मोहसिन ने पूरी करवा दी, जैसे कि मैं बिल्कुल वो टिपिकल रेड वाला नहीं दिया. तो मैं आई वॉन्टेड टू बी यूनिक. अच्छा, मुलाकात आपकी कैसे हुई, क्योंकि ऑफकोर्स मोहसिन जो है वो एक बड़े नामवर डायरेक्टर भी हैं, तो आपकी मुलाकात किसी सेट पे हुई, किसी ड्रामा सेट पे हुई? मैं जी मोहसिन, ये बड़ी लोगों ने मुझसे जब भी पूछा और मैंने जब इसका जवाब दिया तो सब बड़े हंसे जोर से इस बात पे.